Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Bhavana Bisht and I welcome you all on my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Bcom प्रोग्राम के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और जो मैं आपको बताऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमारा जो कोर्स होता है और सिलेबस होता है वो कई बार सेम भी होता है बट कई बार डिफरेंट भी होता है. बट मैं आज आपको इस वीडियो में जो बताऊंगी वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स. तो यहाँ मैंने सेमेस्टर वाइज आप सबके लिए आपके सिलेबस के नेम लिखे हुए हैं. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बीकॉम प्रोग्राम जो आपका कोर्स होता है वो होता है 3 इयर्स का कोर्स और ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी कि इसको आप 12th क्लास के बाद कर सकते हो. और इस कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में. तो जैसे आपके 6 होंगे सेमेस्टर, तो सेमेस्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं. तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है उसमें आपके होंगे 2 सब्जेक्ट. फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. फिर है सेमेस्टर 2. सेमेस्टर 2 में आपका होगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स. ओके, फिर है सेमेस्टर 3. सेमेस्टर 3 में आपका होगा कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस. ये 2 आपके सब्जेक्ट हो गए. फिर उसके बाद है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स. ये भी आपका एक सब्जेक्ट होता है और आपको इसमें 2 चॉइस गिवन है. आपको इसमें से कोई एक को चूज करना है, उसके ऊपर फिर आप पढ़ाई करोगे. ओके, अब हमारा है सेमेस्टर 4. सेमेस्टर 4 में आपके सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. ये आपके सब्जेक्ट हो गए 2 मेन. फिर है हमारा स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स. इसमें से आपको कोई एक चूज करना है. या तो आप ई कॉमर्स चूज कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट्स को चूज कर सकते हो, या फिर पर्सनल टैक्स प्लानिंग को आप चूज कर सकते हो. फिर हम मूव करते हैं अपने 5th सेमेस्टर की तरफ. तो 5th सेमेस्टर में आपको 1, 2, 3, 4, हाँ 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है. और इसमें से भी आपको 4 सब्जेक्ट गिवन है, इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे है आपका स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स. फिर से आपको पर्सनल फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में से कोई एक को चूज करना पड़ेगा. फिर है आपका जीई. तो आपका जीई जो होता है वो आपका लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट आता है जीई वाला. तो फिर इसमें से भी आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो. फिर है सेमेस्टर 6. तो 6th सेमेस्टर में हमारे पास फिर से चॉइस है. आपको इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है. जो भी आप चूज करोगे फिर आप उसके ऊपर पढ़ाई करोगे. फिर यहाँ पे अगेन आपको इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है, फिर आप उसके ऊपर पढ़ाई करोगे. फिर यहाँ पे आपका आ गया स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स. इन दोनों में से कोई एक चूज करोगे और उसमें फिर आपकी पढ़ाई होगी. फिर है जीई. तो जीई में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है. आपको इसमें से कोई एक चूज करना होगा. आप या तो ये कर सकते हो या फिर ये, या फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो यहाँ मैंने आपको सिलेबस बता दिया है बीकॉम प्रोग्राम का एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. यानी कि ये सिलेबस सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पे ये बेसिस पे, और यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह सकती. ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.